एक ओल्ड बिजनेसमैन अपने लिए एक यंग वाइफ बाय करता है। उसे उसके साथ पेंटिंग बनानी थी, तो एक पेंटर को उन्होंने हायर किया, पर उस पेंटर के साथ ही उसके वाइफ का अफेयर हो जाता है। इसके बाद स्टोरी में बहुत सारे अलग अलग ट्विस्ट आते हैं। अब आगे क्या होगा ये हम आज के हमारे मूवी टू लिव फीवर 2017 की एक हॉलीवुड ड्रामा रोमांटिक मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टोरी हमें मरिया बता रही है, जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। हमारी मूवी का टाइम था 1600s का और स्टोरी एम्स्टरडैम की है। उस समय ट्यूलिप फ्लावर के लिए बहुत सारा डिमांड था, बहुत दूर से लोग इन्हें बाय कर कर लाते थे और इनकी ट्रेडिंग भी हुआ करती थी। इनकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी थी। इस इन्फॉर्मेशन के बाद हम हमारी मेन कैरेक्टर सोफिया को देखते हैं। सोफिया एक ऑर्फन थी तो नन के पास चर्च में रहा करती थी। एक दिन नन ने सोफिया को एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन को सेल कर दिया। उसे समझाती है कि अगर तुम यहाँ पर रही तुम्हारी लाइफ आगे हार्ड होगी, पर बिजनेसमैन के साथ तुम एक अच्छी लाइफ जी सकती हो। सोफिया भी इस बात के लिए मान गई और बिजनेसमैन से वो शादी कर लेती है। ये बिजनेसमैन हमारा और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम था कॉर्नेलिस। कॉर्नेलिस की एज ज़रा ज़्यादा थी। उसकी फर्स्ट वाइफ की डिलीवरी के वक्त डेथ हो गई थी। वो एक बेटा चाहता था, इसी वजह से उसने सोफिया से शादी की थी। अब बहुत सारा टाइम गुजर गया पर फिर भी सोफिया प्रेग्नेंट हो नहीं रही थी। कॉर्नेलिस का फ्रेंड उसे कहता है तुम्हें सोफिया को छोड़ देना चाहिए, पर कॉर्नेलिस इसे करने के लिए रेडी नहीं था। वो सोफिया के लिए केयर करने लग गया था। उनके घर पर एक मेड काम करती थी जिसका नाम है मारिया, और मारिया ही हमें ये स्टोरी सुना रही है। आजकल मारिया खाने में बहुत ही ज़्यादा फिश ला रही थी। कॉर्नेलिस से बात नोटिस करता है। उसने पूछा क्या तुम्हें फिश वाले से प्यार हो गया है? वो सिर्फ मजाक कर रहा था, पर एक्चुअल में मारिया को फिश वाले से प्यार हो गया था। उसका नाम था विलियम। रात में विलियम छुपकर मारिया के पास आ जाता और ये दोनों इंटीमेट हो जाते। सोफिया और कॉर्नेलिस कंटिन्यूसली प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रहे थे पर कुछ भी हो नहीं रहा था। ये प्रॉब्लम लेकर फिर सोफिया एक डॉक्टर के पास गए। वो सब कुछ उसे बताती है तो डॉक्टर डायरेक्टली उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी था। वो उसे अपने बेडरूम में लेकर गया। फिर सोफिया ने रियलाइज किया कि ये करना क्या चाहता है। उस पर वो गुस्सा हो गए, उसे स्लैप कर वहाँ से वो चली जाती है। वो हमेशा गॉड को प्रे करती थी कि वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाए। एक दिन कॉर्नेलिस को लगा कि उसे सोफिया के साथ एक पोर्ट्रेट पेंटिंग बनानी चाहिए। उनकी सिटी में एक न्यू आर्टिस्ट इमर्ज हो रहा था जिसका नाम था जान। जान एक टैलेंटेड और न्यू आर्टिस्ट है, उस वजह से उसके रेट्स बहुत ही कम थे। इसका फायदा कॉर्नेलिस उठाना चाहता था। जान के फ्रेंड को कॉन्टैक्ट कर कॉर्नेलिस ने उसे कमीशन वर्क पर हायर कर लिया। पेंटिंग करने के लिए जान जब सोफिया को फर्स्ट टाइम देखता है तो उसे वो बहुत अच्छी लगी थी। पेंटिंग करते हुए सोफिया के पास आने की वो कोशिश करता था। कॉर्नेलिस हमेशा अपने बिजनेस के बारे में बात करता, पर जान और सोफिया के बीच आंखों ही आंखों में बात चल रही थी। जैसे कि हमें पता है इनकी मेड मारिया का विलियम के साथ अफेयर चल रहा है। विलियम चाहता था कि वो जल्दी से अमीर बन जाए ताकि मारिया को बहुत अच्छी सी लाइफ दे पाए। इनकी सिटी में जल्दी अमीर बनने का एक ही रास्ता था और वो था ट्यूलिप फ्लावर की ट्रेडिंग करना। यही ट्रेडिंग करना विलियम ने स्टार्ट कर दिया। एक दिन सोफिया की पेंटिंग बनाते वक्त जान ने रियलाइज़ किया कि उससे प्यार करने लग गया है। सोफिया को भी यही बात रियलाइज़ हो रही थी। उसे लगता है कि यह सब गलत है। उसने कॉर्नेलिस से बात की और कहा कि जान को फायर कर दो। उसे कहती है कि जान बहुत ही एक्सपेंसिव है और उससे पेंटिंग वो नहीं बनाना चाहती। बाद में वो खुद ही अपना माइंड चेंज कर लेती है। अगले दिन विलियम मारिया से मिलने के लिए आया। उसने जो भी ट्यूलिप फ्लावर्स बाय किए थे इसके पेपर्स उसे दिखाता है। कहता है इससे हम अमीर बनेंगे और यहाँ से हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। मारिया भी ये सब सुनकर बहुत खुश थी। एक दिन जान ने सोफिया को ट्यूलिप फ्लावर लाने के लिए कहा। उसके हाथ में उसे रख कर उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बनाता है। एक दिन बहुत सारा करेज गैदर कर सोफिया जान के घर पर आई, पर जान सोफिया के घर पर आया हुआ था। मारिया ने दरवाज़ा खोला तो जान उसे कहता है कि मैं उसे लेटर लिखूंगा। जब उसने सोफिया को लेटर लिखा तो लेटर कॉर्नेलिस पढ़ता है। इस लेटर में लिखा था कि सोफिया की ट्यूलिप फ्लावर के साथ अपने घर पर पेंटिंग बनाना चाहता है। ये फ्लावर्स बहुत ही एक्सपेंसिव थे तो पहले कॉर्नेलिस से मना कर रहा था, पर बाद में वो कहता है सुबह जाना और शाम में वापस आ जाना। सोफिया फ्लावर्स लेकर जान के पास आई और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। पेंटिंग बनाने के बहाने इनका अफेयर स्टार्ट हो गया था। एक दिन विलियम ने जो ट्यूलिप्स बाय किए थे ये वो देखने के लिए आया। नन उसे ट्यूलिप दिखाते हुए नोटिस करती है कि विलियम के ट्यूलिप्स में एक रेयर टाइप का ट्यूलिप भी है जो उसे अमीर कर देगा। विलियम को यह देखकर बहुत खुशी हुई। अगले दिन ही उसने अपने फीस सेल करने का बिजनेस बंद कर दिया।
आज मरिया से मिलने के लिए आया नहीं, इस बात से मरिया जरा अपसेट हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज शाम का कॉर्नेलिस और सोफिया का अपने फ्रेंड से मिलने का प्लान था। सोफिया को जान से मिलना था, तो इस वजह से कॉर्नेलिस के साथ आने के लिए मना कर दिया। कॉर्नेलिस कहता है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाता, पर सोफिया ने कहा मेरी तबीयत खराब नहीं है, पर तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलना चाहिए। उसे जाने के लिए फोर्स कर दिया। पैरेलल में हम देखते हैं कि विलियम अपने ट्यूलिप्स को सेल करने के लिए मार्केट में आया और उसे बहुत अच्छी प्राइस मिली। अब वो अमीर बन चुका था, तो डायरेक्टली मारिया से मिलने के लिए आया। मारिया की तरह कपड़े पहने हुए सोफिया जान से मिलने के लिए घर से बाहर निकली। विलियम को लगा कि वो मारिया ही है, उसे आवाज लगाता है पर सोफिया रुकती नहीं। विलियम ने फिर उसका पीछा किया। सोफिया जान से मिली और उसे किस कर रही थी। विलियम उसे सही तरीके से देख नहीं पाया। उसे लगता है कि मारिया का ही जान के साथ अफेयर चल रहा है और इस वजह से वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गया। इंटीमेट होने के बाद जान और सोफिया एक दूसरे से आई लव यू कहते हैं। एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। अपने हार्ट ब्रेक के बाद विलियम दारू पीने के लिए आया। एक सेक्स वर्कर को पता था कि विलियम के पास बहुत सारे पैसे हैं। उसके पास आती है। विलियम उसे दूर करता है, पर उस लड़की ने उसके सारे पैसे चुरा लिए थे। ये पता चलने के बाद वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। उस लड़की के ब्रदर के साथ उसकी फाइट हो जाती है। विलियम अपनी लाइफ की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज खो चुका था, तो यहाँ से वो चला जाता है। रात में कॉर्नेलिस जब घर पर आया तो उसके आने से थोड़े टाइम पहले सोफिया घर पर आई हुई थी। वो बाल बाल उसकी नज़रों से बच जाती है। विलियम को जो भी लगा, उसके साथ जो भी हुआ, इसके बारे में मारिया को कुछ भी पता नहीं था। उसे लगता है कि विलियम ने उसे धोखा दिया, इस वजह से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। सारी बातें उसने सोफिया से कही। उसने ये भी कहा कि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ। ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। अगर इसके बारे में कॉर्नेलिस को पता चला तो मारिया को काम से निकाल देगा। मारिया अपने फैमिली के पास भी नहीं लौट सकती। वो शर्म से मर जाना चाहती है। सोफिया उसे कहती है, तुम्हारे सीक्रेट रखने में तुम्हें हेल्प करूँगी, पर अगर कॉर्नेलिस को पता चला तो तुम्हें काम से निकाल देगा। मारिया कहती कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वरना मैं कॉर्नेलिस को तुम्हारे और जान के बारे में बता दूंगी। इस बात से सोफिया डर गई थी। इसके बारे में वो जान से बात करती है। एक रात कॉर्नेलिस डिस्टर्ब होकर बैठा हुआ था। सोफिया पूछती कि क्या हुआ। कॉर्नेलिस कहता है, शायद गॉड्स मुझ पर ज़रा नाराज है। फर्स्ट टाइम जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने डॉक्टर से कहा था कि अगर मेरी वाइफ या बेटे के बीच में अगर आपको कोई चूज़ करना होगा तो मेरे बेटे को चूज़ करना। इसी डिसीजन की वजह से उसकी वाइफ और बेटे की दोनों की डेथ हो गई। अब कॉर्नेलिस को लगता है कि गॉड उसे पनिश कर रहे हैं। सोफिया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताने नहीं वाली थी पर मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सोफिया ने झूठ कहा था। अभी अभी उसे एक आइडिया आया है। वो मारिया से कहती है कि हम एक नाटक करेंगे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस तरीके से सब लोगों को दिखाएंगे। जब तुम्हें बेबी होगा तो वो मेरा बेबी है, इस तरीके से हम सब लोगों को बताएंगे। इससे हमेशा तुम अपने बच्चे के पास रह पाओगी और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये सब करना डिफिकल्ट था, पर फिर भी सोफिया ने डिसाइड कर लिया था। पहले जिस बेईमान डॉक्टर के पास हो गई थी उसी को फिर से झूठ कहने के लिए हायर वो कर लेती है। वो झूठ मूठ से सोफिया का चेकअप करने के लिए आता है। वो हमेशा कॉर्नेलिस को रूम से बाहर निकाल देते थे और वो मारिया का चेकअप करता। उस डॉक्टर ने कॉर्नेलिस को ये भी कहा था कि तुम्हें इस बार बेटा होने वाला है। कॉर्नेलिस बात से बहुत ही खुश था। एक दिन काम करते वक्त मारिया को उल्टी आ गई। सोफिया भी उसके पीछे पीछे दूसरे रूम में आ जाती है। उन्होंने कॉर्नेलिस के सामने प्रिटेंड किया कि जैसे सोफिया कोई उल्टी आ रही है। इसी तरीके से उसे हमेशा वो बेवकूफ़ बनाते गए। एक दिन सोफिया और जान जब एक साथ थे तो सोफिया उसे कहती है, मेरे मरने के बाद ही कॉर्नेलिस मुझे छोड़ सकता है। वो अपने बचपन के बारे में, चर्च के बारे में बता रही थी। यही बताते हुए टूलिप्स गार्डन के बारे में भी वो बता देती है। जान को इस टूलिप्स के गार्डन के बारे में नहीं पता था। उसे आइडिया आता है कि अगर इस गार्डन से उसने कुछ टूलिप्स चोरी कर लिए तो अमीर बन सकता है और सोफिया के साथ कहीं भी जा सकता है। यही चोरी करने के लिए रात में अपने फ्रेंड के साथ पहुंचा। ननी देख लेती है और जोर से उसे सर पे मारकर बेहोश कर देती है। सुबह होश आने के बाद जान सारी सिचुएशन नन को बताता है। उसने कहा कि वो सोफिया से बहुत प्यार करता है, इसी वजह से उसने सब कुछ किया था। वो एक चांस चाहता था और टूलिप का बिजनेस करना चाहता था। नन भी उस पर तरस खाकर ये बिजनेस करने के लिए उसे परमिशन दे देती है। उसने कहा कि तुम्हें जो भी कमीशन मिलेगा इससे तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। जान को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। इस सब बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज आने के बाद जॉन को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। इसके बारे में नन से बात करता है। सब एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद
नन ने भी उसे ट्यूलिप फ्लावर का सीड सेल करने की परमिशन दे दी थी। अगर इसमें वो सक्सेस हो गया तो सोफिया के साथ कहीं भी जा सकता है। अचानक से मरिया का लेबर स्टार्ट हो गया। सोफिया उसे लेकर ऊपर के रूम में चली जाती है। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर कॉर्नेलिस को उनके रूम में आने ही नहीं देता। थोड़ी देर में वो नीचे आया। कॉर्नेलिस पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने पूछा क्या कुछ पिछले दिनों सोफिया का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा था। कॉर्नेलिस ने कहा कि पिछले दिनों मैंने उसे हाथ नहीं लगाया क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि प्रेगनेंसी के वक्त उसके साथ इंटीमेट ना हो। ये सारा सोफिया का ही प्लान था। थोड़ी देर में मरिया की डिलीवरी सक्सेसफुल होती है, पर डॉक्टर नीचे आकर कॉर्नेलिस से कहते तुम्हारी वाइफ की डेथ हो चुकी है। ऊपर सोफिया ने लेट कर मरने का नाटक किया। इस बात से कॉर्नेलिस को बहुत बुरा लगा। वो सोफिया से बहुत प्यार करता था। इस बार उसके लिए बेबी नहीं तो सोफिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये सारी बातें जब वो डॉक्टर को बता रहा था तो ये सब कुछ सोफिया ने सुना था। कॉर्नेलिस उसकी इतनी केयर करता है और उस पर चीट कर रही है, ये सब रियलाइज कर सोफिया को बहुत तकलीफ होती है। अब वो इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। ये नाटक हद से बाहर चला गया था। कॉर्नेलिस डिस्टर्ब होकर लास्ट टाइम सोफिया को किस करना चाहता था, पर सब लोग उसे रोक लेते हैं। इसके पैरेलल में हम देखते हैं इजान ट्यूलिप्स की ट्रेड करता है। उसके पास एक रियर स्पेसिस थी तो इस वजह से उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। सोफिया को एक कॉफिन में डालकर ले जाया जाता है। ये सब करने में जान के फ्रेंड उसे हेल्प कर रहे थे। कॉर्नेलिस बहुत ही इमोशनल हो गया था। अपनी न्यू बॉर्न बेबी का नाम भी वो सोफिया रखता है। मारिया उसे प्रॉमिस करती है मैं आपकी बेटी का अपनी खुद की बेटी की तरह ख्याल रखूंगी। जान जब ट्रेड कर घर पर आया तो जिन भी लोगों से उसने पहले पैसे लिए थे ये सारे उसके घर पर मौजूद थे। जान को ट्रेड के पैसे मिलने के पहले ट्यूलिप फ्लावर के सीड को डिलीवर करना पड़ेगा। सब लोग उसे बिना पैसों के घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। जान ने फिर अपने फ्रेंड को कहा कि जाओ और नन से वो फ्लावर लेकर आओ। जॉन का फ्रेंड पियक्कर था तो उसने वॉर्न किया था कि प्लीज आज कुछ भी मत पीना। सोफिया जान के फ्रेंड्स के घर पर पहुंची तो वो रियलाइज करती है कि उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है। वो इस तरीके से कॉर्नेलिस को धोखा नहीं देना चाहती। वो फिर से उसके घर जाने लग जाती है। जान के फ्रेंड ने नन से वो फ्लावर ले लिया, पर रास्ते से आते वक्त उसने एक आदमी को एक एनिमल को मारते हुए देखा। उसे बचाने के लिए वो रुक गया। एनिमल को बचाने के लिए सब लोग उसे चेयर करने लग जाते हैं और वहीं पर वो दारू पीने लग गया। ऐसे ही ड्रंक होकर वो जान के पास वापस आया। जान पूछता है कि फ्लावर कहाँ है। उसका फ्रेंड ड्रंक था और वैसे ही उसने उस फ्लावर को खा लिया था। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सोफिया घर पर पहुंचती है। कॉर्नेलिस को अपनी बेटी के साथ देखती है। उसने रियलाइज किया कि अपनी गलती सुधारने के लिए उसे लेट हो चुका है। वो अपनी शॉल नदी में फेंक कर वहां से चली जाती है। आज विलियम सिटी में फिर से वापस आ चुका था, यानी मारिया का बॉयफ्रेंड, उसकी बेटी का फादर। वो मारिया से मिलने के लिए आया। मारिया कहती कि तुम कहाँ गए थे। विलियम ने कहा कि मैं अफ्रीका में था। ये सुनकर मारिया उसे मारने लग जाती है। विलियम ने कहा कि तुमने मुझ पर चीट किया था, इसी वजह से मैं चला गया। मारिया कहती कि जान के साथ मेरा नहीं तो सोफिया का अफेयर चल रहा था। उसने सारा सच सच उसे बता दिया। ये सब बताते हुए कॉर्नेलिस सब कुछ सुन लेता है। इससे कॉर्नेलिस को शौक लगा और इस पर वो बहुत सोचता है। उसने मारिया को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था कि अपनी बेटी का तुम अच्छे से ख्याल रखना। यहाँ का घर और सारा बिजनेस मारिया और विलियम के नाम कर जाता है। उसने मारिया से कहा कि लोगों से कहना कि ये बेटी मेरी है, तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। उसकी खुद की फैमिली कंप्लीट नहीं हो पाई, पर वो मारिया और विलियम की फैमिली कंप्लीट कर वहाँ से चला जाता है। वो एक न्यू कंट्री में फिर से अपनी लाइफ न्यूली स्टार्ट करता है। जान को जब पता चला कि सोफिया फिर से कॉर्नेलिस के पास चली गई तो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। नदी में सोफिया ने शॉल फेंका था, ये देखकर जान को लगा इसमें डूबकर सोफिया की डेथ हो गई है। इससे उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद मूवी में डायरेक्टली 8 साल बीत गए। इतने टाइम में जान एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट बन गया था। तो एक दिन नन उसे मिलने के लिए आई। चर्च की वॉल पर पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट उसे वो दे देती है। नन ने नोटिस किया कि जान ने सोफिया की बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई है। वो हमेशा उसी की याद में पेंटिंग करता रहता है। एक दिन जब जान चर्च में पेंटिंग कर रहा था तो वहीं पर उसने सोफिया को नोटिस किया। ये दोनों फिर से एक दूसरे से मिल गए थे। ये सब नन की वजह से हुआ था। कॉर्नेलिस ने भी एक न्यू कंट्री में अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट किया, फिर से शादी की और अब उसे बेटा भी हो गया था। मारिया और विलियम अब बिजनेस की वजह से रीच हो चुके थे तो अच्छी लाइफ जी रहे थे। ये पूरी स्टोरी मारिया अपनी बेटी सोफिया को बता रही थी। छोटी सोफिया को भी लगता था कि वो कॉर्नेलिस की बेटी है, पर मारिया ये स्टोरी सुनाकर उसे सब कुछ चीज़ें क्लियर कर देती है कि
कि वो उसकी बेटी है। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी इसी तरीके से मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।